बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू बीबीसी 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दिन बीबीसी 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए हैं मिलवाने फैसलाबाद शहर की इंतहाई मशहूर कारोबारी शख्सियत, जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कामर्स के सबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और इस वक्त बहुत सी मार्केटों को बतौर हेड चला रहे हैं और उसके साथ साथ रोटरी क्लब भी, उसकी भी चेयरमैनशिप उनके पास है। तो आइए चलते हैं, उनसे पूछेंगे उनकी कामयाब ज़िंदगी के हवाले से, उनके हालात वाकयात के हवाले से। तो आज सारा दिन हम उनके साथ गुजारे हैं, तो आइए चलते हैं। फारूक यूसुफ साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं और दिन भर की रूटीन जो है वो किस तरह शुरू करते हैं? जी जतोई साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह का आगाज़ बड़ा खूबसूरत है। एक अल्लाह ताला ने एक रूटीन बनाई हुई है कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर के वक़्त जो उठना है, नमाज अदा करनी है और फिर वॉक पर चले जाना है। वॉक से वापस आना है तो क्योंकि मेरा सारी जो इम्पोर्ट है वो चाइना से है, तो वो हमसे 3 घंटे आगे, 3 आवर वो अहेड है हमसे। तो यहाँ पे जो है वो 7:30 होते हैं, तो वहाँ पे 10:30 होते हैं। हाँ, तो फिर मैं कोई थोड़ा सा काम उनसे, ऐसी इम्पोर्टेंट कोई डिस्कशन जो हमारी इम्पोर्ट आ रही होती है, तो वो मैं घर में ही बैठ के आधे से पौना घंटा उनसे वो अपना काम कर लेता हूँ और फिर 9 बजे ऑफ़िस, 9:30 तक मैक्सिमम, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ़िस। तो ऑफ़िस से फिर मैं अपनी जो मेरी फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी की, वहाँ पे मैं कुछ वक़्त के लिए जाता हूँ। फिर वहाँ से जो है फिर एक और काम शुरू हो जाता है जो मैंने इस वक्त अपनी ज़िंदगी का मेन कॉज बनाया हुआ है, वो है सर्व टू ह्यूमैनिटी के हमारे क्लब के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो चल पड़ते हैं कुछ। फिर चैम्बर्स की मसरूफियत होती हैं, FCCI में आपको पता है कि एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने परफॉर्म किया है। तो फिर मैं अपनी मार्केट में जाता हूँ, जहाँ पे वकीलां वाली गली में कुछ देर, वहाँ पे मेरा फारूक आर्ट के नाम से डिस्प्ले है। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो अगर आप सुबह उठ के ना करें तो आप समझते हैं कि यार आज मेरा जो है ना दिन जो है वो नहीं, मुकम्मल नहीं होता या आपकी सुबह नहीं होती? ये दो चीज़ें हैं, नमाज का पढ़ना और फिर बाहर वॉक करना। तो डेली जो ऑफिस है वो आप तकरीबन, आप जैसा बता रहे हैं कि 9:30 बजे तक आपने ऑफिस पहुँचना है? जी 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 बिल्कुल, मैंने 9:30 पे ऑफिस पहुँचना है और मैंने 11 AM तक अपना काम को ख़त्म करना। हाँ, मैं अपने जो बिज़नेस को टाइम देता हूँ वो यहीं तक देता हूँ। नाज़िर, हम यहाँ से फौरी तौर पे मूव करेंगे क्योंकि 9 बजने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि फारूक यूसुफ साहब के ऑफिस तक जो है हम 9:30 तक एग्जैक्ट, जिस तरह के उनका के ऑफिस से पहले जनाब हम चलेंगे नाश्ते पर, फिर हम आपको ऑफिस पर लेके चलें। नाज़िर, नाश्ते की टेबल पे हमारे साथ मौजूद है फारूक यूसुफ साहब के भतीजे हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका से करके। दानी साहब, आपके चचा जो हैं, आपके बड़े भी हैं, एज ए रोल मॉडल भी, क्या समझते हैं इनके हवाले से, क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मोहम्मद दानी एडवोकेट, जैसे कि आपने तारीफ करवाया, एलम किया हुआ यूके से, और मेरे ये अंकल हैं, मेरे चाचू हैं, और इनके साथ मेरा रिलेशन जो है वो ऐसे ही है जैसे कि फ्रेंड भी हैं हम, और मेरे बड़े होने के नाते मेरे वालिद भी हैं, क्योंकि ये इन्हीं से हम अपनी मेंटरशिप लेते हैं, इन्हीं से गाइडेंस लेते हैं, और इन्हीं के ही बताए हुए रस्तों को हम फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ को आगे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए तो ये एक बहुत जो है बेहतरीन अपने घर में मिसाल मौजूद है और हम इन्हीं को ही जो है रोल मॉडल के तौर पे फॉलो कर रहे हैं। नाज़िर, हमारे साथ मौजूद हैं आलियान फारूक यूसुफ जो कि साहबजादे हैं फारूक यूसुफ साहब के, इनसे पूछेंगे कि आप आलियान बताइएगा कि आपके पापा सख्त आदमी हैं या नरम मिजाज हैं, घर में किस तरह से आप उनको देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपने पापा से क्या सीखते हैं? जब पापा को गुस्सा आता है ना किसी बात पे, तो पापा सख्त हो जाते हैं, जब नहीं आता तो अच्छा। और पापा को मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पापा मेरी हर बात मानते हैं और वो ना नहीं करते आपको। और क्या क्या समझते हैं आप कि आपने अपने पापा से क्या सीखा है अब तक? मैंने ये सीखा है कि कभी भी गलतियाँ को ना, गलतियाँ आती हैं, भूल जाना चाहिए।
आलगिर मुझे ये बताइएगा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? लाइन मतलब शेर। फारूक यूसुफ साहब, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, बिजनेस के साथ साथ आपकी दूसरी एक्टिविटीज भी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिजनेस के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं और कौन कौन सा बिजनेस इस पर रन कर रहे हैं? जतोई साहब, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मुझ पर कि जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो काम जो है अल्लाह ताला खुद ही उसमें मदद फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एम्ब्रॉयडरी मशीन जो हैं वो चाइना से, और फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान में बेच रहा हूँ। लाहौर में एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, हाफजाबाद में है, और इसके साथ साथ फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये इस पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैनेडा में कुछ अपेरल्स बना के लेडीज़ जो हैं, और इसके साथ जो है एक दार रकम स्कूल का नेटवर्क है, तो उसमें एक लसानी टाउन जो ब्रांच है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो जो आपका सवाल था कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा खासा था, जब आप लर्निंग फेस में होते हैं, सीख रहे होते हैं चीज़ें, तो ये भी मैंने सीखी और देखा समझा कि आप जब अच्छे मैनेजर बन जाते हैं ना तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी एक अगर कोई बड़ी मिल, टेक्सटाइल मिल भी है, तो उसके कई शोबे हैं, कई पार्ट हैं, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कहीं डाइंग हो रही है, कहीं कहीं कोरा आ रहा है, कहीं उसका, लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और जो CEO होता है वो अपनी ऑफिस में बैठ के उनसे रिपोर्ट लेता है और कई शोबों को देखता है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह जब आप एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो यही वो तरीका है कि आपके पास टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, हाउ टू बिल्ड द टीम। जब आप टीम अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, अच्छे HODs रखें, यस, और काबिल लोग रखें, कंप्रोमाइज़ ना करें बिल्कुल भी, जब आपके पास काबिल होंगे वो डिलीवर करेंगे, और यही वो आसान तरीन तरीका है कि आप अपने काम को जो वो आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से ये मोटिवेशन घर से आपके वालिद साहब की तरफ से थी, और किस तरह से आपने इतना कामयाब बिजनेसमैन का सफ़र कैसे मुकम्मल किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है जी, और बड़ा टची भी है। जतोई साहब, मैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जब मैं 5 से 6 साल का था, और मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, मैंने उनको बाप की शक्ल में देखा, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद हमारे वालिद होते तो शायद इतना हमें प्यार ना दे पाते जितना डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने दिया, और जिस तरह से हमें संभाला, मतलब एक 6 साल का बच्चा, और फिर जब मैंने लेबॉरेटरी स्कूल में मैंने उस वक्त पढ़ता था बिल्कुल मेरी फर्स्ट क्लास में, तो डॉक्टर साहब ने उन्हीं स्कूलों में हमें कंटिन्यू हमारी एजुकेशन को रखा, बड़ा फोकस किया, वो कह रहे थे कि आपकी पढ़ाई, आपने एजुकेशन को जो है वो छोड़ना नहीं है। लेकिन देखें, जब डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ख़ुद भी जो 12 साल उनकी उम्र थी, वो ये नहीं थे कि वो बहुत बड़े थे, लेकिन वो अल्लाह ने उनको बड़ापन दे दिया, तो वो जिस तरह से स्ट्रगल करते थे हम भाइयों के लिए, कि वो ये तो होता था कि अगर ईद आ गई है तो 5-7 सूट उन्होंने मेरे लिए लिए, हम सब भाइयों को मिला के ले दिए, तो अपने लिए वो 2-3 सूट कम कर दिए कि यार आप लोग जो हैं, अल्टीमेटली हमारे वालिद साहब जो है था उस वक्त एक एस्टेब्लिश बिजनेस था उनका, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो कुछ क्राइसिस आए, और उन क्राइसिस में से जिस तरीके से वो बड़े भाईजान ने हमें निकाला, वो मैं देख रहा था सारे फेज़, उनकी मेहनत देख रहा था, और एजुकेशन के साथ ही साथ मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हो रहा था कि मेरा भाई जो अकेला हम सब फैमिली का बोझ उठा रहा है, तो मुझे भी अपना रोल अदा करना है। तो मैंने उन डॉक्टर साहब को, जब मैंने FSC में अभी एडमिशन मेरा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ड्यूरिंग द स्टडी मैंने उन्हें कहा कि जी मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं इवनिंग में जो ना, वो हमारी उस वक्त पावर लूम्स थी और एक फैब्रिक क्लाथ की हमारी शॉप थी इधर जामिया गली, तो मैं आपका साथ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी आप एजुकेशन से हटना नहीं,
मैंने ज़िद की ना, मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो ये नहीं हो सकता, मैं अब ठान लिए कि मैंने काम करना है, अब आपके साथ फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो उन्होंने कहा सुबह आपने ना जी तैयार हो जाना, आप सुबह मेरे साथ फैक्ट्री जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा जी मैं कॉलेज से हो गए, नहीं आज तुम जो है ना कॉलेज नहीं जाओगे, मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं तैयार हुआ, फैक्ट्री निकल गए, पावर लूम की हमारी वहाँ पे जीमाबाद में फैक्ट्री थी, हवाई जगह है हमारी वहाँ पे। मुझे उन्होंने कहा जी आ जाएँ जी, ये लूमे हैं तो ये चलाएं लूमे। मैंने कहा जी मैंने लूमे चलाने नहीं आया, मैं तो ये काम सीखूंगा और इसको बैठ के इस कारोबार को देखूंगा, मैं कोई वर्कर थोड़ी हूँ। कहते ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये आपको सीखना पड़ेगा फिर आप कारोबार कर सकेंगे। तो उस वक्त ये भी इतना बिल्कुल एक छोटी उम्र थी, तो मैंने कहा अच्छा जी फिर मैं ये काम नहीं करता, ये मुश्किल है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनकी सोच क्या थी कि वो मुझे भगा रहे थे कि नहीं ये फिर एजुकेशन की तरफ वापस जाए और ये काम जो ये कह रहा है इसमें ना आए। मैंने कहा नहीं, वो जो हमारी कपड़े की दुकान है जी, मैं उधर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, कल सुबह आपने फिर तैयार हो जाना जी। मैं तैयार उनके साथ बैठा, शॉप पे चले गए जामिया गली। तो वो आपको पता है दुकान में होता है कि आप सुबह गए हैं शॉप पे बैठ गए हैं तो शाम तक आप बैठे हैं, कस्टमर आ गया तो एक उसी एक छोटे से एरिए में आप काम भी कर रहे हो, देख भी रहे हो। तो मैं चला गया तो वो अब मैं यूज़ टू नहीं था कि मैं बैठ सकूँ, तो दोस्तों में घूमना फिरना, कॉलेज जाना, कॉलेज लाइफ। तो जब वो सुबह हम 9 बजे शॉप पे पहुँचे हैं, जब 12-1 बजे हैं, तो मैंने कहा जी मैं ना थक गया हूँ तो अपना मैं अब चला जाऊँ घर। कहते नहीं यार ये तो अभी दुकान तो बंद होगी, जाके शाम को 6-7 बजे हम करेंगे तो फिर इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा नहीं जी, मेरा वाकई मेरा जो सर दर्द हो गया, शुरू हो गया ना उस वक्त कि 3 घंटे से हम बैठे हैं और ये थान इधर कर लें उधर कर लें, गाहक को ऐसे डील कस्टमर को, वो डिफ़िकल्ट लगा ना। तो मैं आज भी इस बात को अपने तमाम दोस्तों को बताता हूँ कि वो मैं कितना ब्लेस्ड पर्सन था, मुझे ऐसा भाई मिला जिसने मुझे उस वक्त डीमोटिवेट किया कि अभी आप काम करने की उम्र नहीं है, अभी पढ़ें। तो मैंने एजुकेशन दोबारा, मैंने कहा जी नहीं जी नहीं जी, अब काम तुसी करें जी, मेरे को नहीं होता जी काम। तो मैंने पढ़ना ही वापस अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की, फिर DHMS में एडमिशन ले लिया, 4 साल उसको कंप्लीट किया। जैसे मेरा DHMS कंप्लीट हुआ तो देन फिर मैंने जो है ना जी, वो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि नाउ ये वक्त है, अब आप काम में आए। तो फिर मैं काम में गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस काम से जो कपड़े की शॉप थी उसी से शुरू किया, लेकिन फिर मैंने 99 में इसको सोचा कि इसको अब किस तरह से चेंज करें कि एक फैमिली बिजनेस तो चलता आ रहा है लेकिन किस तरह से जो अब हम काम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो देखा था, वो सारी मुश्किलें देखी हुई थी। तो एक गोल सेट कर लिया कि बिज़नेस में अचीवमेंट करनी है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। तो उस वक्त फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जी मैं तो ना जी काम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा अभी लर्निंग फेस में हैं ये सीख लें। मैंने कहा नहीं जी, मैंने मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। और मैं अपनी वालदा के पास भी गया कि मुझे भी आपकी इजाज़त चाहिए, तो मैं ये एक रिस्क लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप जो है ना ऐसे करो कि ये कुछ पैसे हैं ये आप लो, तो इससे स्टार्ट कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसा पैसा नहीं लेना चाहता जिसका मुझे कल को जवाब देना पड़े। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारे ही हैं। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने बिल्कुल इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया जी। और सर बताओ, अगर आपको नेशनल ग्रुप जिस तरह के आप उसके बिल्कुल साथी हैं, तो अगर आपको दोबारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिम्मेदारियां देता है या किसी और पोर्टफोलियो में लेके जाता है जिससे ताजरों की काज, खासतौर पर नेशनल ग्रुप के हवाले से, तो क्या फारूक यूसुफ तैयार हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें हमारी लीडरशिप जो है वो बहुत विजनरी लीडरशिप है। आपको पता है नेशनल ग्रुप के मियाँ दरी साहब और मियाँ जवेद साहब, वो उनको पता है कि किस बंदे को कब लेके आना है और कौन सी मेरी टीम जो है वो जो बेहतर सर्व कर सकती है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, चाहे वो चैम्बर हो या कोई भी ऐसा फोरम हो जहाँ अल्लाह चाहता है कि मैं अपने
अल्लाह के बंदों के लिए काम करूं और या अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करूं, तो आई थिंक सो, आई थिंक मेरी ये ड्यूटी है कि अगर अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी है और उसको इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के काम आ सकूं, तो मैं इसे नहीं भाग सकता। मैं इंशाल्लाह आई एम रेडी फॉर दैट। अपने दफ्तर पहुंचे और कारोबार से मुतल्लिका ज़रूरी उमूर निपटाए। राशन तकसीम करने के लिए लाइन हाउस पहुंचे। लाइंस क्लब इंटरनेशनल का मोटो है वी सर्व। इसमें हम परमानेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और इसके अलावा हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हम मेजर कॉजेज़ पे हम करते हैं, जिसमें वीजन है, डायबिटीज़ है, हंगर रिलीफ है, एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड कैंसर्स है। इसके अलावा जो भी माशरे में हमारे लोगों के लिए खिदमत के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये परमानेंट प्रोजेक्ट है फैसलाबाद नेक्सस लाइंस क्लब का, और जो हर माह डिजर्विंग फैमिलीज़ को ये पूरे एक माह का राशन जो है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कितने पर्सन्स को आप एक पर मंथ जो है वो आप ये राशन वगैरह तकसीम करते हैं? अगर हम एक क्लब के बिहाफ पे देखें तो हर क्लब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको मजमूई तौर पर क्यूमुलेट करने की कोशिश करें ना, तो ये तादाद जो है 1000 में चली जाती है। हमारा जो लाइन का है, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसकी बकायदा एक वेरिफिकेशन करके हम आईडी कार्ड, हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है डिजर्विंग पीपल्स की, और मंथली हमने उनको डिफरेंट पीपल्स को इसी लिस्ट में से परमानेंट जो है ना हमने वो देने होते हैं। ये कुछ सरप्राइज़ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गवर्नर साहब इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो इन्होंने इसको अटेंड किया, ऐसे इवेंट्स को जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, अभी आपने देखा इवेंट के दौरान गवर्नर साहब ने बताया कि 10 अक्टूबर को हम थर जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई 400 के करीब जो बैग तो फैसलाबाद नेक्सस लाइंस क्लब जो है वो डोनेट करेगा, इस तरह फैसलाबाद रॉयल लाइंस क्लब करेगा, फैसलाबाद प्लैटिनियम लाइंस क्लब करेगा, फैसलाबाद ग्रीन लाइंस क्लब करेगा, फैसलाबाद सिटीजन लाइंस क्लब करेगा। अच्छा, ये सारे मर्ज इकट्ठे जाएंगे? जी जी बिल्कुल, यही तो खासा है लाइंस इंटरनेशनल का। लाइंस इंटरनेशनल कहती है कि आप अपनी कम्युनिटी में सर्व करें अपने राइट एंड लेफ्ट, 20 से 30 लोगों का एक क्लब है, एक इलाके में वो क्लब जो है वो सर्व कर रहा है तो दूसरे इलाके में दूसरा क्लब है, इस तरह आपकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव हो जाती है, आसान हो जाता है आप लोगों को सर्व करना विद द डिग्निटी, डिग्निटी के साथ सर्व करना आसान हो जाता है। इसलिए 132 क्लब डिस्ट्रिक्ट 3051 में काम कर रहे हैं और दुनिया में 47,000 के करीब क्लब हैं और 15 लाख के करीब हमारे मेंबर हैं। बहुत बड़ा है आपका पंजाब का, बहुत बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट। हम तो समझ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लाहौर से मेरे ख्याल में मुल्तान से आगे बहावलपुर तक। यस राइट, ये बहावल टू मुल्तान है, ये डिस्ट्रिक्ट 305 लाइन्स की डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मैंने अभी गवर्नर साहब ने बताया कि 132 क्लब आते हैं और उन सबको गवर्नर साहब लीड कर रहे हैं और एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी मैं इनका साथ दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सरप्राइज़ नहीं था, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। इस वक्त भी जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट में देखें, मोर देन 1100 एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी हैं विद इन 3 मंथ्स, और ये साल जब कंप्लीट होगा ये तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे बताया थर तक पहुँचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोने में, हर गली में जहाँ हमें नज़र आता है कि एजुकेशन पे काम करना है, एजुकेशन पे काम होना है। जैसे कि इस मंथ को भी एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से गवर्नर साहब ने डेडिकेट किया हुआ है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में कल भी जिस यूनिवर्सिटी में हमने स्कॉलरशिप दिए हैं और अवेयरनेस सेमिनार किया है कि हमने अपने लिटरेसी रेट को जो वो 100% लेके जाना है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम हो रहा है।
और अच्छा, क्या आप समझते कि ये कोविड के दिन जिस तरह के आपको पता पिछला पूरा एक साल दो साल से हम सफ़र कर रहे हैं, और जब से खास तौर पर ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो आम आदमी है, जिस तरह की उन्होंने हंगर की बात की या दूसरे मामलों की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जो डोनेशन है या फंड्स कम हुआ है या मेंबरशिप कम हुई है, क्या कहेंगे इस वाले? नहीं, जो तो साहब देखेंगे वो बहुत बड़ा एक आपके लिए ये भी एक सरप्राइज़ होगा कि कोविड के दिनों में लाइन्स इंटरनेशनल के जो मेंबर हैं उनकी तादाद बढ़ी है और डोनेशन में कमी नहीं आई, डोनेशन भी बढ़ी है और पहले से ज़्यादा खिदमत की गई है। यही वो मैं बताता हूँ कि जब हम 15 लाख मेम्बर्स इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वी आर टुगेदर, हम इकट्ठे होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। पाकिस्तान में कोविड था, जिन जिन इलाकों में ज़्यादा कोविड था पूरी दुनिया के लाइंस ने मिल के इसका मुकाबला किया, फेस किया। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल के मर्ज में मुबतला बच्चों को डोनेशन फराहम करने के लिए इलिया केयर स्कूल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ एजुकेशन दारे अरकम स्कूल का खसूसी दौरा किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ यूसुफ साहब, जो कि फारूक यूसुफ साहब के बड़े भाई हैं और डिवीजनल प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के। इनसे पूछेंगे, आपने जी डॉक्टर साहब फारूक यूसुफ साहब को जिसे कहते हैं उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात फारूक यूसुफ साहब के हवाले से जो कि ना किसी को पता हो या बहुत कम लोग जानते हों, कोई ऐसी बात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक यूसुफ साहब जी ये मेरे बेटों की तरह छोटे भाई हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनको कामयाबियों से नवाजा है इसके पीछे यकीनन इनकी मेहनत और हमारी वालदा की दुआएं शामिल हैं। तो इनकी कामयाबियां जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है। बहुत मेहनती और बहुत ही शफीक नौजवान हैं। इनकी एक बड़ी ख़ास बात है कि ये हमारे घर में बहुत चहेते थे और एक दफ़ा का जिक्र है कि इन्होंने ये 1980 की बात है, इतनी पुरानी बात है, तो 10,000 रुपया उस वक़्त बहुत बड़ी एक रकम होती थी। तो ये इतने लाडले थे कि इन्होंने वालिद साहब के वो 10,000 रुपये जो थे उनको कचरा कचरा कर दिया। पूरा जो 10,000 रुपया था इन्होंने उसको फाड़ दिया। तो वाले साहब ने हमने इनको डांटने की कोशिश की, वाले साहब ने कहा नहीं, इसको भी इस नफ़े या नुकसान का नहीं पता, मैं आपको ये कहता हूँ कि यही जो आपका भाई है ये कल को इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब इंसान बनेगा और पैसा जो है वो इसकी कदर करने वाला बन जाएगा। और हम ये समझते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह पाक ने हमारे भाई फारूक यूसुफ को इज़्ज़त से नवाजा है ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और हम फख्र करते हैं कि ये हमारा भाई है। आपने इन्हें एक नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी सौंप दी है कि ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन को जो है डिस्ट्रिक्ट में एज ए प्रेसिडेंट जो है और साथ में आपके साथ सीनियर नायब सदर भी डिवीजन, तो इनको ये जो चैम्बर ऑफ एजुकेशन है इसमें लाने का क्या मोटिव है? ये दरअसल जब हमने ये ख्याल किया कि फारूक यूसुफ साहब ने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक ऐसा वक्त गुजारा कि जो कि इससे पहले इतना हमें सुनने में नहीं मिला था कि इतने एक्टिव कोई वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का टेन्योर आया हो, तो फिर हमने महसूस किया कि ये हम अपने ऐसा ना हो कि चिराग तले अंधेरा, हम अपने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के फोरम पे इतना काबिल आदमी उसको हम ज़ाया कर रहे हैं और हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ये ज़िम्मेदारी को भी निभाएँ और इनकी ये मेहरबानी है कि इन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारी पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के लिए वक्त निकाला और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर
ये डेजिग्नेशन जो इसको कबूल किया, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के, और ये डिवीजनल बॉडी में भी एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और जब से इन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसलाबाद डिवीज़न में भी तंजीम एक फाल तंजीम बन गई है। तो हम उम्मीद करते हैं जी इनकी इस तरह मेहनत से इंशाल्लाह ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ये पहले से भी मज़ीद बेहतर और लोगों की खिदमत करने वाला इदारा बनेगा। अपने कारोबारी नुक्ता आगाज फारूक आर्ट्स का खुसूसी दौरा करवाया। के नाम पर बनने वाले आमना मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। फारूक यूसुफ साहब, अभी हमने जैसे स्कूल का विजिट किया, आपने अपनी वालदा के नाम से बनाया हुआ है, तो क्या इसकी कोई ख़ास वजह है स्कूल को बनाने की और इसमें क्या क्या हो रहा है? जी जो तो ऐसा बिल्कुल ख़ास वजह है। देखें, जब इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं वो इस मुल्क का देन है। तो अल्लाह की रहमत के बाद मैं समझता हूँ कि एक हमें कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है इस माशरे के लिए, इस कम्यूनिटी के लिए। तो इस स्कूल में जो तो साहब 2 साल में मैट्रिक हो रहा है, सिस्टम फाउंडेशन के साथ मिलके फैसलाबाद नेक्सिस लाइंस क्लब ने ये स्कूल बनाया है, और मेरे वालदा के नाम पे ये स्कूल है आमना मेमोरियल फ्री नॉन फॉर्मल स्कूल। तो इसमें 2 साल में बच्चों को बोर्ड का इम्तहान दिलवाया जाता है। अच्छा, बोर्ड के साथ ये यस ऑफ कोर्स यस, और ये बोर्ड का इम्तहान बच्चे पास करते हैं और फिर अपनी हायर एजुकेशन की तरफ निकल जाते हैं। और आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो बच्चे हैं जिसका जिनके कोई वालद जो है वो कोई रेडी लगा रहा है, फेरी लगा रहा है, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जा रहे, भट्टों पे मजदूरी कर रहे थे, तो हमारी टीम इनको मोटिवेट करके वजीफे देती है। मंथली इनाम को यूनिफॉर्म फ्री है, बुक्स फ्री हैं, कोई फ़ी नहीं है। इवन हम इनको जो है वो फ्री आई स्क्रीनिंग इनकी करते हैं, फिर इनको लंच जो है वो फ्री दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है, इंटरेक्शन इनका अट्रैक्शन पैदा करके मोड बनती है। जी जी। और महीने कैसे मैनेज करते हैं? देखें, ये अल्लाह ताला के दिए हुए से देना होता है। तो जब आप ये नियत कर लेते हैं कि हमने रिटर्न करना है जो हमने लिया है अपने इस मुल्क से, तो फिर ये मुश्किलें नहीं आपको आती। अच्छा, फिर ये अल्लाह ताला मदद करते हैं। ये फंड कितनी तादाद है? कितनी तादाद इस वक्त? देखिए, स्कूल का जो 50 एक स्कूल जो होता है ये नॉन फॉर्मल, इसमें 50 से ज़्यादा हम बच्चे नहीं लेते। 25 जो है वो 9th में होते हैं, और 25 जो हैं वो 10th के स्टूडेंट होते हैं। जैसे ही वो 25 बच्चे जो है अपना एग्ज़ाम पास करते हैं, तो फिर नहीं हम एडमिशन करते हैं 25 स्कूलों का, हम इसकी तादाद बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा हमने अभी रिसेंटली हमने बड़ा मोहम्मद वाला में अपना दूसरा स्कूल जो है सिस्टम फाउंडेशन के साथ मिलकर इंशाल्लाह ओपन करने जा रहे हैं, तो हम इसको 50 बच्चों के एक स्कूल को, लेकिन स्कूल की तादाद बढ़ाएंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो दी जाए। जब आपने 2 साल में मैट्रिक करवाना है तो आपको पता है फिर देन शुड बी द सम स्पेशल, तो वो स्पेशल जो है वो ये हो रहा है कि वहाँ पे बड़े क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और जैसा कि आपने देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है और वो बड़ी अच्छी जॉब्स में हैं। अच्छा, बहुत छोटे बच्चे भी हैं फारूक साहब, आपने देखा होगा जिनके घरों में, जैसे आपने बात की कोई रेडी लगाता है, कोई छोटे बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए, क्या आप जिस तरह अपने वालदा के नाम से ये एक फाउंडेशन या जिस तरह का आपने स्कूल बनाया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि आप आने वाले वक्तों में छोटे बच्चों के लिए भी कोई स्कूल का आगाज़ करेंगे? जी बिल्कुल, देखें इस स्कूल में कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी बड़े भी, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा कॉज है, हमारा मकसद ये है कि हमने एजुकेट करना है। यस ऑफ कोर्स, तो छोटे बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप फैसलाबाद नेक्सिस लाइंस क्लब का जो है ये उसने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान में 100% लिटरेसी रेट करने में अपना रोल अदा करना है, जितना कर सकें। देखें, गवर्नमेंट
इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएट ले रही है। उन्होंने एजुकेशन को फ्रंट से वो उन्होंने अब इसको लीड कर रहे हैं और बहुत सारे एजुकेशन अदारे अब पहली पोजीशन पे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। तो नेक्सिस लायंस क्लब भी अपना रोल अदा कर रहा है, इंशाल्लाह हम बच्चों के लिए भी जो है ज़रूर ऐसा स्कूल जो है स्पेशल बनाएंगे कि जहाँ पे सिर्फ जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए और छोटे बच्चे हैं जो मजदूरियों पे लग जाते हैं उनका हक़ है ये तालीम हासिल करना। अच्छा, क्या आपने जैसे आपने देखा कि आपने लाइन्स के जो अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ लोगों पे राशन तकसीम किए, अच्छा क्या ये अमल जो है ये आपके इनर सेटिस्फेक्शन तो फारूक साहब देता ही देता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे भी आपकी वालदा का कोई काज थी या उनका कोई डायरेक्शन थी या उन्होंने इस हवाले से भी वालिद या वालदा ने आपको इस हवाले से मोटिवेट किया हो? जी जो तो ऐसा बड़ा अच्छा सवाल आपका। देखें, हम बचपन से ये मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरे वालद साहब जो हमारी जामिया मस्जिद थी उसके वो सदर थे, आल पावर एसोसिएशन पावर लूम के वो सदर थे। गो के मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, तो 1980 में आई वाज जस्ट 5 to 6 ईयर ओल्ड। तो लेकिन हमने सुना, अपने मदर से सुना, बड़े भाई से सुना, लेकिन कुछ कुछ जो याद भी पड़ता है कि वो कम्युनिटी में जब वो मैं देखता था कि वाल साहब जब हमारे गली में आते थे गाड़ी का उनका हॉर्न बजता था तो पतंगों का सीज़न होता था तो लोग डर के नहीं उनकी रिस्पेक्ट इतनी करते थे कि वो पतंगे उड़ाना छोड़ देते थे और मतलब ये उनका था। तो वो चीज़ें मैंने देखी जी, वो मैंने देखी अपनी लाइफ में देखता आया, तो ये चीज़ें हमें विरासत से मिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये है कि कुछ अरसे से आप कह सकते हैं 2015 से अब मुझे ये लगता है कि अब मेरी गोल सेटिंग जैसे इंसान अपनी गोल करता है कि मैंने अपने बिजनेस में ये अचीव करनी है तो मुझे ये लगता है कि वो मैंने अचीव कर ली है, क्योंकि ये जो पैसा है इसकी चाहत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर पाया हूँ और अब मेरी गोल सेटिंग जो है वो चेंज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें और रोज़े हशर जो है अपनी आखिरत को संवार सकें। जिगर के मर्ज में मुबतला मरीजों को डोनेशन फ्राहम करने के लिए लीवर सेंटर फैसलाबाद का दौरा किया। फारूक साहब जो है ना हमारे यहाँ के जो ये इसकी जो बुनियाद में है उसमें फ़ारूक साहब और लायंस क्लब का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारा जो इमरजेंसी वार्ड है उसके जितने बेड हैं अमेरिका से इंपोर्ट करके लायंस क्लब ने हमें डोनेट किए। असल में बात यह है कि हम इस शहर के जो कारोबारी लोग भी हैं लायंस क्लब में भी हैं और दूसरी भी हमें जैसे रोटी वगैरह में भी हैं, हम मिलकर ये नहीं सिर्फ कि हम अपना बिज़नेस ही देखते हैं, हम अपने लेस प्रिविलेज मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी जो है उनकी वेलफेयर के लिए सोचते हैं। फारूक यूसुफ वो पर्सनैलिटी है कि जो मुनाफ़त से पाक है, जो मोहब्बत करने वाला है, साथ देने वाला है, और मुझे यही चीज़ें इनकी पसंद आई हैं, यारों का यार। और जब भी मैंने देखा है ना दो इस तरह का जज्बा है कि मैं दोस्तों के काम किस तरह आ सकता हूँ, ये ढूंढते हैं, तलाश ये होती है कि मैं काम किस तरह आ सकता हूँ। मैं दुखी इंसानियत ये रोटरी में नेक्सस लाइन क्लब क्लब में इन्होंने लाइनिज़म में इतना काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं और आप, मैं तो इनसे इंस्पायर होके मैंने खुद इन्हें कहा जी मुझे आप अपने रोटरी क्लब में लेके जाएं तो मैं इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने जब से इन्हें देखा है चैम्बर में तो मेरी दोस्ती कोई 8-10 साल की है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं।
एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की मीटिंग में शिरकत के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद पहुंचे। फारूक यूसुफ भाई पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद अल्फाज में इनके बारे में कुछ कहूँ। तो पहला तो ये कि ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, रिसोर्सफुल। अब शायद अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो भी कोई अच्छे अल्फाज किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी कम्युनिटी, दोस्त अहबाब और पूरे शहर के लोग वो यही राय रखते हैं फारूक यूसुफ के बारे में। ये जो हमारे फारूक साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है और हार्ड वर्किंग है। इनके जो बड़े भाई हैं इम्तियाज़ साहब, जो दारे अरकम को लीड करते हैं, और ये इनके माशाल्लाह बड़े भाई हैं फारूक यूसुफ, अपना महमूद यूसुफ साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे माशाल्लाह कारोबारी तबके में एमरेडी में, और ये हमारी वकीला वाली गली 4-5 के सदर भी हैं और बड़े हार्ड वर्किंग हैं और दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। फारूक यूसुफ के हवाले से अभी हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं रिजवान अशर साहब, उन्होंने फरमाया कि रस्ते जो बने हुए हैं उन पे चलना कोई काम नहीं है, वो तो बन चुके हैं, रास्ता बनाना काम है। तो मैं समझता हूँ कि फारूक यूसुफ की ये क्वालिटी है कि रास्ता बनाता है, और इन्होंने रास्ता बनाया और अल्लाह करीम ने साथ दिया और इनकी मंजिलें आसान होती चली गईं। अच्छा, क्या अभी, क्योंकि जारी बात है एसवीपी भी आपने देखा, इन्हें बहुत सारे ताजर हलकों में ये बात भी गर्दिश कर रही है क्योंकि इनका अपना टेन्योर भी मुकम्मल हो चुका, तो क्या आप भी ताजर कम्युनिटी जैसा वकीलों वाली गली है या बहुत सारे आपको पता है कि जैसे हमारी सूत्र मंडी है या दूसरे जो कारोबारी तबका है मेन, उसमें बड़े हॉट केक के तौर पर, एक बड़ी हॉट फेवरेट शख्सियत के तौर पर फारूक यूसुफ साहब को लिया जाता है और जो इनका ग्रुप है बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, तो क्या आने वाले वक्तों में आप समझ रहे हैं कि फारूक यूसुफ साहब जो है बिल्कुल आगे लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे ताजर कम्युनिटी को? अच्छा जी, ये जो आपका सवाल है इसके हवाले से, मैं बींग एल्डर ब्रदर, मेरी तो विलिंग होगी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम फजल अपना फरमाएं और ये चैम्बर के कमिंग प्रेसिडेंट हों, ये मेरी ख्वाहिश है। एक्सरसाइज और जिम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, इसी हवाले से शाम ढलते ही चनाब क्लब जिमनेजियम पहुंचे। मतलब ये सामने है तो इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन इतनी खूबसूरत शख्सियत है और इतना ज़बरदस्त इंसान है, खिदमत इतनी, मतलब अब लॉयनिज़म का मैं बहुत ज़्यादा फाउंड नहीं हूँ, लेकिन लॉयनिज़म में ये इसने इंतहा कर दी, मतलब इसने वो एग्जांपल्स कायम किए जो शायद बहुत मुश्किल होंगे कि उनको फॉलो किया जाए। इसी तरह रोटरी में भी, इसी तरह चैम्बर में भी ये इन्होंने कमाल कर दिया, और जितने लोग वहाँ पर आते थे उनके साथ जिस तरह इनका बर्ताव था, जिस तरह इन्होंने लोगों को साथ मिलके चले, इट इज़ एक्सेलेंट। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में दोबारा से चैम्बर की जो एक किस्म की जो बागडोर है इस जैसे एनर्जेटिक बंदे को दी जाएगी? मस्ट भी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कहना नहीं चाहता क्योंकि किसी जगह पे मुझे भी डिसीजन मेकर्स में बैठना पड़ता है, लेकिन
इस तरह की एडिशन चैम्बर के लिए एक्सेलेंट। इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को और अपनी समाजी खिदमात से हमारे मुल्क का, हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये इतने एनर्जेटिक और इतने डेडिकेटेड हैं कि जिस फील्ड में भी जाते हैं उसमें अपना एक अलग मुकाम पैदा करते हैं। एक्सपोर्ट शिपमेंट्स पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज में वाकई अपनी फैक्ट्री पहुंचे। बिजी लाइफ, इतना बिजी शेड्यूल, फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालते होंगे? और फैमिली में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं आपके? जी फैमिली में मेरी 3 बेटियां जी और एक बेटा जो सबसे छोटा है और एक वाइफ है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, आजकल के दौर में मेरे ख्याल में ये भी एक नेमत से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या शादी अरेंज मैरिज थी या? जी अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल शादी अरेंज मैरिज। तो क्या बचपन में, बचपन से मोहब्बत हुई नहीं हुई या इस हवाले से आपका कभी ध्यान नहीं इस तरफ गया? नहीं, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरफ तो इतनी वाकई ध्यान भी नहीं गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बस एक गोल सेटिंग जब कर ली अपनी तो उसमें कई टारगेट्स थे, तो फिर शायद इन चीज़ों के लिए इंसान के पास वक्त नहीं रह जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बड़ों ने जो फैसले करते हैं मेरे ख्याल से वो बेहतर होते हैं। अरेंज मैरिज थी और बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा भी, फेम भी, शोहरत भी, नाम भी, काम भी, हर चीज़ आपकी परफेक्ट। तो क्या कोई कोई ना कोई तो पीछे आपके लगा होगा क्या इस हवाले से? क्या आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया भी होगा? तो कोई ऐसा वाकया जो हमसे शेयर करना चाहें? नहीं देखें, वो ऐसा कोई मोड़ नहीं आया लाइफ में। अब कोई पीछे पड़ा रहा या किसी ने, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हुई हों, लेकिन ऐसा मैंने कोई कभी किसी तरफ कोई इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ के साथ जो है मेरा बड़े अच्छे मरासम और बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जारी बात है, वालिदा आपके बचपन में जल्दी चले गए। हाँ जी। तो वालिदा आपके साथ रहीं? जी जी, तो बिल्कुल। क्या कभी ऐसा डांट डपट मार, कोई ऐसा वाक्य जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहिए? अच्छा, ये इस तरह है कि हमारी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, या ऐसी शरारत जो बचपन में आपको अब तक ना भूली हो? शरारत नहीं है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा शायद मैं उसको ना एलैबोरेट कर पाऊँ। शरारत नहीं है, लेकिन जब मेरे वाल साहब का एक्सीडेंट हुआ है, वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, तो वो मुझे घर वाले बताते हैं कि आपकी हर ज़िद जो मानी जाती थी, तो मुझे ना प्यार से मेरा नाम डाला हुआ था मिठू, तो मेरी माँ जी मुझे कहती थी कि मिठू तेरी, आपकी हर बात आपके वाल साहब जो है ना वो मानते थे, कभी आपको इनकार नहीं करते थे। तो उस दिन सुबह सुबह दोस्तों के साथ उन्हें लाहौर जाना था, तो वाल साहब के पास गाड़ी थी उस वक़्त में भी, 80s की बात है, तो वो जब निकलने लगे तो मैं रोने लगा, छोटा था 6 साल, कि मैंने भी साथ जाना है। तो माँ जी कहते हैं कि वो उस वक़्त आपको शायद, मुझे जो याद पड़ता है पहली दफ़ा उन्होंने ना की, और एक डोर था उस वक़्त जो हमारे कमरे का, तो मैंने बैग से उसको जैसे बंदा धक्के लगाता है कि खोलो, मैंने जाना है, मैंने जाना, वहाँ से एक चीज़ भी मेरे यहाँ पे लगी, वो बड़ा उसका आज भी यहाँ पे निशान है। तो बैड लक, और बड़ा अफसोसनाक यह है कि पता नहीं क्या था, मैं क्यों रो रहा था उस वक़्त। तो उसी सफ़र के दौरान वाला साहब का एक्सीडेंट हुआ,
और वो खालके हकीकी से जा मिले, तो मुझे बस ये होता है कि मैं ना ही ज़िद करता, या वो मैं ज़िद की थी तो वो ही मान जाते हैं, ना ही जाते। तो ये एक बड़ा मुझे नहीं भूलता ये लम्हा और वो चीज़ें, लेकिन इंसान की ज़िंदगी है, पार्ट है, आगे बढ़ना अल्लाह का निज़ाम है, इसको चलना है। इसको बेटियों के लिए क्या प्लान सोचा है मुस्तकबिल? देखिए जी, बेटियाँ माशाल्लाह, बेटी ओ लेवल कर रही है, एक बेटी जो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में अभी एडमिशन लिया है उसने बायोटेक्नोलॉजी में, तो बेटी की शादी भी है 13 नवंबर को, लेकिन मेरी तरफ से बेटियों को मुकम्मल वो आज़ादी है, जितना वो पढ़ना चाहें, एजुकेशन लेना चाहें, मेरी भी ख्वाहिश है वो ले। और एक आज जिस तरह हम फोकस कर रहे हैं कि हर घर में एजुकेशन होनी चाहिए, तो बेटियों को लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा क्लियर हूँ कि उनको भी इस माशरे में बराबर वही हकूक़ हैं और वो जो बेटों को हैं और वो मिलने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें देता भी हूँ, मेरी बेटियाँ नहीं मेरे बेटे। आलियान को क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, आलियान का जो गोल है वो अब छोटे होते से मैं तो उसको यही सिखा रहा हूँ, अल्टीमेटली जो मेरा बिजनेस है मैंने उसको कभी भी नहीं ये कहा कि आपने ये संभालना है, मैं ये चाहता हूँ कि जब वो बड़ा हो तो वो ख़ुद देखे कि उसका किस में इंटरेस्ट है, जिसको वो शौक़ से कर सके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो कोई काम आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनती जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, आपको धोंस दिया जाए, आप पे मुसल्लत कर दिया जाए कि तुमने यही काम करना है। तो ये सारा बिज़नेस तो खैर उसका ही है, उसने देखना है, लेकिन फिर भी वो जब इस काबुल हो जाएगा, वो खुद सोचेगा, छोटा है अभी, कि मेरी क्या गोल सेटिंग है। वैसे उसने अभी भी गोल सेटिंग बनाई, मैंने लाइन बनना है, मैंने अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, और कभी कभी वो कहता है कि मैंने ना वो इंजीनियर बनना है जो पापा को कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना वो काम करते हुए, तो वो किसी से ना पूछें, मैं वो सॉल्व करूँगा, मैं वो देखूँगा। माशाल्लाह ये उसमें अभी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो जब खुद डिसीजन करेगा, जिसमें उसका शौक़ होगा, उसको फुल इजाज़त होगी कि वो उस तरफ जाए। बिज़नेस के हवाले से आप जो ताजर कम्युनिटी है, या इस हवाले से क्या ऐसा विजन रखते हैं, किस तरह का बिज़नेसमैन होना चाहिए क्या इस हवाले से, क्योंकि आपकी वो बात मैंने वो बिल्कुल मेरे से नामुकम्मल रह गई थी। देखें जो तोई साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक कामयाब बिज़नेसमैन वो है जो इनोवेशन लेके आएगा और अपने बिज़नेस को ब्रांड बनाएगा। देखें, हम यहाँ से वैल्यू एडिट करके सारे यूरोप के और अमेरिकन ब्रांड्स को दे रहे हैं और वो अपना लोगो लगाते हैं, और यहाँ पर जो 1000 वाली टी शर्ट होती है या कोई भी हमारी प्रोडक्ट होती है वो 10 times मल्टीप्लाई होकर बिकती है, 10,000 की बिकती है। तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपने बिजनेसेस को ब्रांड बनाएं, हम अपने ब्रांड बने, दुनिया को ब्रांड बन के दिखाएं, और वो जो 10% इनकम वो ले रहे हैं वो हमारे मुल्क में आए, हमारी इकॉनमी खड़ी हो। तो मेरा तो ये मैसेज होगा कि हम खुद को ब्रांड बनाएं, अपने बिज़नेस को ब्रांड बनाएं, तो कोई वजह नहीं है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अपने पाँव पे खड़ी ना हो। रोटरी क्लब की महाना मीटिंग में शिरकत के लिए मुकामी होटल पहुंचे। जबकि इसके साथ साथ दूसरी जानब नेक्सस लायंस क्लब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में खसूसी शिरकत के लिए एक और मुकामी रेस्टोरेंट पहुंचे। तो मेरा इनसे मतलब रोटरी के हवाले से, नेक्सस के हवाले से, चैम्बर के हवाले से, और एक जो पर्सनल रिलेशनशिप है, सारी चीज़ों के हवाले से ही हर वक्त, या कह लें कि डेली बेसिस पे तल्लक जो है वो रहता है। तो माशाल्लाह इतने, ये इनकी बारे में मैं क्या कहूँ, इतने नफीस इंसान हैं, इतने प्यार करने वाले इंसान हैं कि ये प्रोग्राम तो शायद आपका छोटा पड़ जाएगा, मैं वो सारा कुछ बयान नहीं कर सकूँगा। फारूक यूसुफ साहब ने जो इस क्लब की बुनियाद रखी है और जितनी इन्होंने खिदमत की है शहर में, फैसलाबाद में कम अज़ कम इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। मैं अगर फारूक यूसुफ साहब को ईदी ऑफ फैसलाबाद कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, हम दोस्त इनको कहते भी हैं। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये खुद लीडर नहीं है, इनकी जो ख़ास बात है वो लीडर्स पैदा करते हैं। अब हमारे क्लब में हमारी महाना मीटिंग होती है, हर बंदे को इतना मोटिवेट कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं,
कि वो पूरा महीना हम लोग उस एनर्जी को फील करते हैं और बस उसी तरह सरमस्त हो जाते हैं हम लोग लोगों की खिदमत में। तो ये इन्हीं की तबीयत का खासा है। तो सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, ही इज़ व्हाट अदर्स आर नॉट एंड ही इज़ नॉट व्हाट अदर्स आर। 4 साल हो गए जी नेक्सस लाइन को ज्वाइन की है वो मुझे फ़ारूक यूसुफ साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मोहब्बत करने वाला शख्स, इतना प्यार करने वाले और लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेट क्लब के हर मेंबर को करते हैं। लाइनिज़म में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक यूसुफ साहब ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइनिज़म इनसे पहले पूरे पाकिस्तान में छुपी हुई थी। इन्होंने एक लफ्ज़ है इनके लिए बयान किया गया कि लाइनिज़म को इन्होंने ब्रांड बना दिया और हमारे क्लब को जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट करते हैं, हज़ारों लोग मुस्तफीद होते हैं हमारी जो नेकी के काम करते हैं हम, और इन्होंने ये जो पौधा लगाया है इससे हज़ारों ऐसे काम नेकी के हम करते हैं इनकी सुपरविजन में। जज़ाकअल्लाह, सारा सवाब इंशाअल्लाह इनको जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सारे नेकी के काम करते हैं, और सारे लोग इनसे बहुत मोटिवेट हैं हर वक्त हर टाइम पे इंशाअल्लाह इनके पीछे रहते हैं। सर फारूक यूसुफ साहब जो एक नहायत ही शरीफुल नफ्स इंसान है, और इसके साथ ही साथ जो आज रेक सिटी कंप्यूटर प्लाजा में एज ए प्रेसिडेंट से हम एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए आ गए हैं, तो इनका खासा है कि जो पीछे बैठा हुआ कोई बंदा वर्कर है उसको लेकर आगे आते हैं। तो बेशक सारी तारीफ़ें इज़्ज़तें मेरे अल्लाह करीम के लिए हैं, उसकी वाहदानियत के लिए, लेकिन अल्लाह पाक बस्तियों इलाकों और महलों में शहरों में अपने जो लोग हैं ख़ास उनको पैदा करता है, उनके ज़रिए से ये सारा सिस्टम चलता है। अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे, और ताकि ये जो हम जैसे पौधे लगे हुए थे, एक दिन आएगा जब हम तनावर दरख्त बन के लोगों की खिदमत बेहतरीन तरीक़े से कर सकें। हमें ये नहीं पता था कि लीडरशिप क्या होती है। हमें ये लीडरशिप फ़ारूक यूसुफ साहब ने बताई क्या होती है, लीडर कैसे बनते हैं। हमें बोलना नहीं आता था, माइक पकड़ना नहीं आता था। मैं कहूँगा कि हमारा ग्रुप लीडर, हमारा लीडर, हमारा बड़ा भाई और नहायत नफीस इंसान फ़ारूक यूसुफ साहब हैं, और इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर फ़ारूक यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी इनके साथ तकरीबन अरसा 4 साल के साथ हूँ, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, ट्रेड में, यानी कि इवन के ये एक इंसान नहीं है, ये एक दुनिया है। इससे जिसने जो लेना है वो ले सकता है।